नमस्कार और स्वागत है आपका फाइन लर्निंग पे। आज का जो अभी करंट न्यूज़ है उसमें मेलिंडा गेट्स योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिली और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर में कोलैबोरेशन का काम करेंगे ये साथ मिलकर। अब सवाल ये नहीं है कि ये न्यूज़ है आज का, हमारा सवाल जो एज अ स्टूडेंट होना चाहिए कि इस न्यूज़ से हमारे काम का क्या। तो मेलिंडा गेट्स कोई छोटी मोटी आदमी तो है नहीं और इनका एक फाउंडेशन है जो ऑल ओवर इंडिया काम करता है। तो जब ये यूपी में योगी आदित्यनाथ के साथ मिली हैं तो ज़रूर किसी न किसी प्रोग्राम पे काम होगा। और यहाँ जो काम का है वो ये है कि हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर या किसके किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सेक्टर में जो यूपी में जो कार्य है उसको आगे किया जाएगा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आए और हाल ही में ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, तब जवाब में आपके होना चाहिए मेलिंडा गेट्स या फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। तो जैसा कि आप इस न्यूज़ के थ्रू समझ सकते हैं कि जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन मेलिंडा गेट्स है वो हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनका मुलाकात हुआ और कॉपरेशन की बात हुई इन टेक्निकल सेक्टर ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स एक ऐसे कंपनी को रन करते हैं जो टेक्निकल सेक्टर में अपना एक्सपर्टीज रखता है। तो भारत को हेल्थ न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर में जो एक बढ़िया जो टेक्निकल नो हाउ है उसकी ज़रूरत है। उत्तर गवर्नमेंट सरकार ने इसको फोकस करते हुए बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ ये तय किया है कि वो हेल्थ न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर के सेक्टर में इनके साथ मिलकर यूपी में काम करेंगे। अब इसके साथ क्या फ़ायदा होगा, तो आइए कुछ फ़ायदे समझ लेते हैं। जब आप कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं, वैसे इंडिया जितने बड़े कंट्री में, वहाँ पे आप सिंपली हर एक को बस फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, इससे नहीं होने वाला है। आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा कि जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की गई वहाँ फैसिलिटी पहुँचा या नहीं। वहाँ जो हमने काम करने का प्रयास किया, हमने जो लास्ट आदमी तक अपने रीच बनाने की कोशिश की, क्या वो वहाँ तक हमारी बात पहुँची या नहीं, तो उसमें टेक्नोलॉजी ही हेल्प कर सकता है। क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग जो यहाँ रहते हैं वो एक रिसोर्स तक पहुँचने के लिए उनके पास खुद की जानकारी सफिशिएंट नहीं है। तो हमें अपनी जानकारी मजबूत रखनी होगी और वहाँ पे ये वीकेस्ट और लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचने में टेक्नोलॉजी हमारा हेल्प करता है। तो सरकार के काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ है, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी को लेके हो गया, फिनेंशियल इंक्लूजन को हो गया, न्यूट्रिशन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो गया, तो यूपी इन सब पे काम कर रहा है और पूरे दुनिया में इस पे काम हो रहा है। पूरे दुनिया में इस पे और काम किए जाने की ज़रूरत है, पर बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। बिना टेक्नोलॉजी इंडिया जैसे बड़े कंट्री में तो ये संभव नहीं है और वहाँ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन काफ़ी काम आएगा। तो ये था एक बेसिक जो पूरा सार था इस समाचार का। अगर इस पे और कोई अपडेट आता है तो वो हम आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करेंगे, आपके साथ ज़रूर बताएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है और वो क्वेश्चन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके काम का यहाँ क्या है, तो आपके काम का ये होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस फाउंडेशन या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के हेल्थ न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है वो करने का फैसला किया है, या वो फैसला कर लिया है, या जो जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है वो किया है। कुछ भी इस तरह से घुमा फिरा के एक सवाल बन सकता है, आपका जवाब होना चाहिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। या फिर घुमा के आ जाए कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ भारत में हेल्थ न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेगी मिलकर, वहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए यूपी गवर्नमेंट। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आज करंट अफेयर्स में थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स वो इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहें, खुश रहें, धन्यवाद।